गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रेन, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग डिजिट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ऑलरेडी वी हैव डन आवर फोर वीडियोस, ओके? वहाँ में हम लोग रिकैप चैप्टर वन चैप्टर में रिकैप पोर्शन में ही पढ़ रहे थे, एडिशन, सबस्ट्रक्शन, प्लेस वैल्यूज, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया है। आइए देखिए, अभी हम लोग डिजिट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो डिजिट क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब जो है ये होता है डिजिट। अभी देखिए न्यूमेरल क्या होता है। न्यूमेरल होता है ये डिजिट को लेके जब एक नंबर बनता है वो होता है न्यूमेरल। जैसे देखिए हमें मैंने एक एग्जांपल लिखा है CAT, ठीक है? तो इसका सी क्या है? एक लेटर। ए क्या है? जी क्या है? सब एक एक लेटर है। अभी ये तीनों लेटर को लेके जब हम लोग साथ में लिखते हैं तब ये क्या बनता है? एक वर्ड बनता है ना, DOG, डॉग। तो डी क्या है? एक लेटर। ओ एक लेटर। जी और एक लेटर जब साथ में लिखते हैं तब होता है एक वर्ड। इस तरह से मैथ्स के लिए भी बनता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब होता है डिजिट। जब ये डिजिट दो तीन डिजिट साथ में लेके एक नंबर बनाते हैं उसको बोलते हैं न्यूमेरल, ओके? आइए देखिए अभी वन डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है। वन डिजिट नंबर होता है 1 से लेके 9 तक, ठीक है? एक ही डिजिट है, सो ये होता है वन डिजिट नंबर। नाउ स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर शुरू कहाँ से हुआ था? 1 से। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, कहाँ तक है? 9 तक। सो 9 इज द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, ओके? देखिए नेक्स्ट टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर क्या होता है? जिसमें दो डिजिट होगा। तो शुरू कहाँ से होता है? 9 के बाद 10 से। तो 10 पहले वाला है, सो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10। कहाँ तक है? 10 से लेके 11, 12, ये करते करते 98, 99 तक है, ठीक है? तो ये पूरा होता है टू डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट होता है 10 एंड ग्रेटेस्ट होता है 99, ठीक है? तो सेम तरीका से आगे बढ़िए। 99 के बाद क्या आता है? 100। 100 में कितना डिजिट है? 100, 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट नंबर हो गया। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट भी 100 है, ठीक है? 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट कहाँ तक है? लास्ट 999। 100 के बाद 101, 102, इस तरह से 999, ये हो गया ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होता है? 1000। तो देखिए यहाँ में क्या हो रहा है, स्मॉलेस्ट के लिए एक एक जीरो इंक्रीज हो रहा है। फॉर वन डिजिट ओनली 1, फॉर टू डिजिट 1 एंड 0, फॉर 3 डिजिट 1 एंड 2 0, फॉर 3 डिजिट 1 एंड 3 0, फॉर 4 डिजिट 1 एंड 2 0, फॉर 4 डिजिट 1 एंड 3 0, फॉर 5 डिजिट 1 एंड 4 0, लाइक दैट। मान लीजिए ये 1 है, अभी 0 डिजिट हिसाब से इंक्रीज करिए। 2 डिजिट के लिए 1 0 डाल दिया, 3 डिजिट के लिए 2 0, 4 डिजिट के लिए 3 0, इस तरह से बढ़ाइए। 6 डिजिट, 7 डिजिट, सब स्मॉलेस्ट नंबर 1 के बाद बाकी प्लेसेस को 0 से फिल कर दीजिए, हो जाएगा। सोचिए आपको 5 डिजिट बोला है स्मॉलेस्ट, कितना है? 5 डिजिट। 1 तो एक हो गया, 5 बनाना है तो और 4 जीरो लिख दीजिए, हो गया। ये हो गया स्मॉलेस्ट। नाउ ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट देखिए, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट 9, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट 9 और 9 2 और 9, ये लोग सब 9 से बनते हैं ग्रेटेस्ट वाला। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट 3 टू 9, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट 4 और 9, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट
5 times 9, greatest 6 digits, 6 times 9, like that. Now मान लीजिए greatest 8 digits, 8 times 9, लिखते चलिए 3, 6, 8, 9. So, this is 8 digits, greatest number. इस तरह से कुछ भी अगर देगा, greatest छोड़ो से, totally 9, जितना digit बोलेगा उतना 9, smallest बोलेगा तो 1, उसके बाद जितना digit बोलेगा उससे एक कमती 0, okay? So, I hope greatest and smallest कौन सा है, कैसे लिखा जाता है, समझ में आया होगा? आप लोगों का बुक्स में greatest and smallest नंबर कौन सा है, चूज करो, ऐसा दिया गया है, तो I hope आप लोग कर सकते हो। अभी देखिए, और एक होता है, जो मान लीजिए 990 दिया है और ये दिया है, ये दोनों में से कौन सा greatest बोला है? तो definitely ये है greatest 990 और ये 110, तो 900 तो बड़ा होगा ना, so this is greatest। इस तरह से greatest and smallest, I hope यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है greatest, smallest, one digit, two digits, three digits, four digits, five digits, six digits, seven digits, up to seven digits तक ये पूरा को ही आप लोग क्लास फोर में कहीं ना कहीं चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैंने सेवन डिजिट्स तक इसमें साथ में सिखा दिया। आप लोग इसको पूरा एक साथ कॉपी में नोट करोगे, ठीक है, नॉट ओनली फॉर द वीडियो, इसको टोटली आप लोग कॉपी में नोट करके रखोगे और फ्यूचर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्वर्सेन और मैट्रिक मेजर्स। मैट्रिक मेजर क्या होता है, ये जो लोग किलोमीटर, मीटर, लीटर, किलोलीटर ये सब यूज करते हैं ना, ये होता है मैट्रिक मेजर। इसको कैसे एक यूनिट से दूसरा यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, आप लोग सुना होगा, दूध के लिए हम लोग यूज करता है, वाटर के लिए यूज करता है लीटर, मीटर नहीं यूज करते हैं, लीटर, ठीक है, मीन्स वी कैन काउंट इट, दिस इज ए अनकाउंटेबल आइटम, ठीक है। इसके लिए वॉल्यूम मीन्स कितना है, कितना वाटर है, कितना मिल्क है, इसको यूज के लिए होता है वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब हम कोई पोटेटोज राइस खरीदने जाते हैं, मीटर नहीं बोलते हैं, लीटर, इतना लीटर पोटेटोज दीजिए ये नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वन किलो पोटेटोज दीजिए, तो उसके लिए होता है के जी, ग्राम, ठीक है। तो ये होता है वेट, आलू खरीदने के लिए, चावल खरीदने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है वेट, ठीक है। अभी देखिए, कितना डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल किया है, हम लोग स्कूल से घर पहुंचा है, घर से रिलेटिव के घर गया है, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है, इसके लिए क्या यूज होता है, लेंथ मीन्स किलोमीटर, मीटर, छोटा सा होने से जैसे ब्लैक बोर्ड मेजर करना होता है तो होता है सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। तो देखिए इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मान लीजिए पहले हम लेंथ को ही लिया, लेंथ में क्या क्या होता है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इतना होता है, बट इन योर बुक यू हैव मीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, दिस स्मॉल फ्रैक्शन यू डोंट हैव इन योर बुक, सो इतना ही हम लोग सीखेंगे। देखिए किलोमीटर से मीटर जाने के लिए, देखिए किलोमीटर इज अ बिग यूनिट, हम लोग मान लीजिए नाहरलगुन से ईटानगर जा रहा है, वो उसको हम लोग मीटर में नहीं लिख सकते, हम लोग बोल रहे हैं हम लोग 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है, सो दिस इज अ बिग यूनिट, और बिग यूनिट वी यूज किलोमीटर, फॉर स्मॉल यूनिट मीटर, मान लीजिए 500 मीटर रेस हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से उतना डिस्टेंस तक, सो दिस इज मीटर। सेंटीमीटर कहाँ होता है, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग इन योर कॉपी तब होता है सेंटीमीटर, आप लोग देखा होगा प्लास्टिक स्केल मिलता है उसमें जो मेजरमेंट होता है दिस इज सेंटीमीटर। नेक्स्ट मिलीमीटर, वही स्केल में छोटा छोटा दाग भी होता है, देखोगे एक यहाँ से ये छोटा छोटा ऐसे, फिर यहाँ पे छोटा छोटा पांच, ये जो होता है ना ये होता है छोटा, ये होता है मिलीमीटर। सो देखिए
किलोमीटर को 1000 से इंटू करने से आता है मीटर, मीटर को 100 से इंटू करने से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को 10 से इंटू करने से मिलीमीटर। फिर से सुनिए, किलोमीटर इंटू 1000 वन मीटर, ये सब वन में हो रहा है, ठीक है। वन किलोमीटर को 1000 से इंटू करने से आता है मीटर, ठीक है। मीटर को 100 से इंटू करने से आता है सेंटीमीटर, मीन्स वन किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, वन मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को 10 से इंटू करने से आता है मिलीमीटर। बड़ा से छोटा क्या है, तो हम लोग जानते हैं बड़ा से छोटा निकालने के लिए हमें इंटू इंटू हुआ है। अभी छोटा से बड़ा जाने के लिए डिवाइड करना होगा, जितना जितना इंटू हुआ था उतना ही डिवाइड होगा। मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए 10 से डिवाइड होगा, सेंटीमीटर से मीटर 100 इंटू हुआ था 100 से डिवाइड होगा, 1000 इंटू हुआ था मीटर टू किलोमीटर जाने के लिए 1000 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखिए ये किसके लिए पड़ा है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर सब यूज होता है फॉर लेंथ, ओके। सेम यूज होता है किलोमीटर की जगह में किलोग्राम, मीटर की जगह में ग्राम, सेंटीमीटर की जगह में सेंटीग्राम, मिलीमीटर की जगह में मिलीग्राम, वो क्या होता है फॉर वेट, ओके। ये एम को आप जी में बदल देने से वो जो आएगा वो होगा फॉर द वेट, ओके। यहाँ में जी लिखिए तो होगा फॉर वेट, वेट किसके लिए बोला है पहले, राइस, पोटेटो, सुगर, सॉल्ट, ये सब के लिए। नाउ व्हाट अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स लाइक वाटर, लाइक मिल्क, ओके। उसके लिए क्या यूज होता है, लीटर, यहाँ में हर जगह एल होगा, किलो लीटर, लीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, लीटर। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप लोग ये लिस्ट को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए, वन किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, वन मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वन मीटर इक्वल टू, नाउ गो बैक, मीटर से किलोमीटर जा रहा है तो जो था उतना डिवाइड होगा। अभी देखिए 1/1000 मतलब क्या होता है, एक दो तीन नंबर के बाद एक डेसिमल दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड डेसिमल और पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया 1% ऑफ मीटर टू किलोमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू सेम 1 मिलीमीटर से आया था मीटर, 1000 से डिवाइड करने वाला, सो 0.001 मीटर। थोड़ा सा फॉर दिस क्लास आई वांट यू मेमोराइज दिस वन, आप लोग थोड़ा सा याद करिए, लेंथ के लिए याद करिए, वेट और वॉल्यूम सेम होगा, ओके। इन फ्यूचर आप लोगों को इसको बहुत ही जरूरी होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो आप लोग पहले तो ये इसको समझिए इन योर एग्जाम, इसको याद करिए जो क्या था, किलोग्राम, देन ग्राम, देन सेंटीग्राम, देन मिलीग्राम, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, एंड जस्ट नंबर कितना इंटू होता है थोड़ा सा लाड कीजिए, ओके। फॉर वेट सेम, किलोग्राम ग्राम, ग्राम टू सेंटीग्राम, ग्राम टू किलोग्राम, डिवाइड मिलीग्राम टू ग्राम, अगेन डिवाइड, किलोलीटर टू लीटर, सेम सेम, ओके। कोई भी एक आप सीखोगे तो तीनों सेम है, ओके। नाउ इन योर बुक क्वेश्चन वाज, एक ही क्वेश्चन उठाया मैंने, देखिए 9 किलोमीटर 703 मीटर, इसको क्या करने को बोला है, मीटर में कन्वर्ट करने को बोला है, तो ये ऑलरेडी मीटर में है, इसको कुछ नहीं करना है, जो किलोमीटर है उसको मीटर कर लेते हैं। तो क्या पता था, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 9 किलोमीटर इक्वल टू क्या होगा,
वन से नाइन किया बड़ा हुआ है इंटू नाइन इक्वल टू 9000 किलोमीटर। ओके ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मीटर में ही था, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। मीटर 9703 मीटर। देखिए आया आंसर, आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया गया। यहाँ पर 1000 से इंटू करके प्लस 703 जो लिखा था सेम लिखा गया, नेक्स्ट लाइन में इसका कैलकुलेशन करके लिखा गया प्लस 703 ऐड किया गया प्लस इक्वल टू करके यहाँ में लिखा। ठीक है अभी देखिए यहाँ से इधर जाने को बोले तब क्या होगा, किया था बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट जाने के लिए इंटू हो रहा था, छोटा से बड़ा जाने के लिए डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ में एक एग्जाम्पल है 30732, वहाँ से कहाँ जाना है ग्राम से किलोग्राम में जाना है, क्या करना है ग्राम से किलोग्राम 1000 से डिवाइड। ओके लेट्स डू इट 13732 डिवाइडेड बाय 1000। ओके पहले किससे जाएगा 1 से Thank you.